प्रयागराज में कुंभ की शुरुआत के पहले ही सब कुछ राममय हो चुका है। साधु संतों ने नाराजगी जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के ठीक पहले साधु महात्मा सरकार पर दबाव बना रहे हैं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि अब राम मंदिर नहीं बनेगा तो कब बनेगा। तो प्रयागराज में कुंभ के लिए आए इन साधु संतों से सीधे बात करते। महाराज जी, एक लंबा इंतजार हो गया राम मंदिर का, आप लोगों ने जिस नेतृत्व में आस्था दिखाई उन्हें आशीर्वाद दिया, 2014 में सरकार बना दी। हाँ, सरकार बनाई दी, उन्होंने यही वायदा किया था हमारी सरकार बनेगी तो हम राम मंदिर बनाएंगे। तो अब तो हमारी सरकार भी है, मुख्यमंत्री भी हमारा ही है। महाराज जी, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, फैसला जब तक नहीं आ जाता तब तक कोई कानूनन रास्ता नहीं लिया जा सकता, इसलिए अध्यादेश नहीं आएगा। अब साधु संतों का रुख क्या है, रुझान क्या है? रुझान तो यही है कि राम मंदिर बनना चाहिए, कि मोदी जी का वादा था वो वादा अपना पूरा करना चाहिए। तो ये बताइए, धर्म संसद में क्या एक बार फिर 2019 के लिए नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद मिलेगा? अगर मंदिर बनाएंगे तो उन्हीं का नाम होगा कि हाँ, फला आदमी ने ये काम किया था। लेकिन वो तस्वीर दिखाई पड़ नहीं रही है, वो मंदिर बनने की जो प्रक्रिया है इसकी कोई शुरुआत होती नहीं दिख रही है। हाँ, ये हिंदुओं के देश में यही तो हो रहा है, ये भारत देश में हिंदुओं का देश है और हमारी सरकार हिंदुओं के बल पे बनी, और हिंदुओं के बल पे होने के बाद भी हम हिंदू इतने लाचार कर दिए गए हैं सरकार की वजह से कि हम मंदिर भी नहीं बना पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि नीयत नहीं दिख रही है राम मंदिर बनाने की? नहीं, नीयत तो है बनाने की, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम है जो वो आप अगर चाहें वो सब मिलके तो पूरी हो सकती है जी। नीयत तो है उनकी, नीयत है लेकिन कानून नहीं है, उनके पास कोई कानून नहीं है अपने ही देश में, अपने ही मंदिर के लिए कोई कानून नहीं। लेकिन सरकार कह रहे हैं कि अध्यादेश नहीं लाएंगे। हाँ, क्यों लाएंगे वो अध्यादेश, वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं आज तक, वो यही करना चाह रहे हैं अभी। क्या नाराजगी उठानी पड़ेगी? नाराजगी क्या उठाना पड़ेगी, नाराजगी तो चलिए रही है, जब हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्मभूमि, बाप दादेन की जमीन और उनकी जमीन पे उनका मंदिर नहीं बनाया जा सकता है, फिर कहाँ बनाया जाएगा? सरकार रोड़ा डाल रही है, सरकार नहीं चाहती। रोड़ा नहीं, सरकार तो नहीं डाल रही है, जो इधर उधर वाले हैं वो रोड़ा डाल रहे हैं, सरकार नहीं डाल रही है। अच्छा, तो आपको लग रहा है 2019 में चुनाव में इसका नुकसान होगा, साधु महात्मा भी नाराजगी दिखाएंगे? हाँ, नाराजगी दिखाएंगे, अगर हमारा मंदिर नहीं बनेगा तो नाराजगी हो सकता है। धर्म संसद में बीजेपी धर्म पे लड़ना हो गया जी, ये धर्म को खाली खिलवाड़ करना। सबसे बड़ा वायदा और उस वायदों पर यू टर्न लेती सरकार न सिर्फ अपने समर्थकों को नाराज कर रही है, उन साधु महात्माओं को भी आक्रोशित कर रही है, नाराज कर रही है जिन्होंने आशीर्वाद दिया था। और इसीलिए प्रयागराज में अब बस कुंभ की शुरुआत होने वाली है, और जब धर्म संसद बैठेगी उस धर्म संसद में भी बीजेपी को नाराजगी का सामना करना पड़ेगा।